हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मैंने अपने लिए पानी गर्म किया। आज मैंने सुबह सुबह 7 बजे से मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया। अपना रूटीन, आज का फुल डे रूटीन मैंने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि पहले उठी, हाथ मुंह धोया, कुछ भी नहीं लगाया मैंने। वैसे ही फेस में मैंने कुछ नहीं लगाती हूँ, जब नहाती हूँ ना तब, जो जब नहाती हूँ तो वही साबुन में लगा देती हूँ, बाकी कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती हूँ मैं। सिंपल तरीका से फ्रेश होके हाथ मुँह धो के आ गई, फिर आके मैंने भगवान जी की लाइट जलाया, और भगवान जी का लाइट जलाने के बाद मैंने अपने लिए पानी गर्म की। अभी आप लोगों से बात करते करते पी रही हूँ पानी। मैं समय सुबह पानी पी लेती हूँ खाली पेट। आप लोग भी अगर नहीं पीते हो तो प्लीज़ पी लिया करिएगा, अच्छा होता है। और मैं आज बनाने जा रही हूँ फुल डे रूटीन। फुल डे रूटीन बनाने के लिए मैं किसी ने रिक्वेस्ट किया था, काफ़ी दो तीन महीने पहले ही रिक्वेस्ट किया था उन्होंने। जब रिक्वेस्ट किया था तब शायद लॉकडाउन था, तो मैं उनका रिक्वेस्ट पूरा नहीं कर पाई। और मैंने उसको बोला भी था कि माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा, फिर अभी तो मूड भी ख़राब है इस महामारी के वजह से। तो उसका मेरा मतलब था कि जैसे अगर लॉकडाउन खुलता है तो मैं एक ट्राइपॉड ले लूँगी। मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया और मेरे पास अभी तक मैंने कोई ट्राइपॉड नहीं लिया है। और ट्राइपॉड लेने के लिए मैं सोच रही थी कि दुकान में जाके खुद मतलब चुन चुन के ले आऊँगी कि कौन सा मुझे सही लगेगा वो, लेकिन उसी टाइम लॉकडाउन हो गया। फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि ऑनलाइन मंगा लेते हैं, फिर चुपचाप पड़ी रही उसके बाद लॉकडाउन होने के बाद, कि लॉकडाउन जब खुलेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर ले आऊँगी। फिर लॉकडाउन तो अभी खुला है बट बीमारियाँ आती नहीं हैं। और मैंने सोचा कि बाहर नहीं जाती हूँ, काफ़ी बड़ा हुआ है दिल्ली में, आप सभी को पता है, और मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। और ऑनलाइन मंगाने के लिए वो लोग कैश पेमेंट नहीं ले रहे हैं, कैश पेमेंट वाला बंद है आजकल। और ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए मेरे घर में ना सिग्नल नहीं आता, सिग्नल मोबाइल में जो सिम में होता है ना, मोबाइल का जो नंबर होता है उसमें सिग्नल नहीं आता, तो उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है घर से। और घर से बाहर जाऊंगी तभी मैं ऑर्डर कर पाऊंगी। और घर से बाहर मेरे मोबाइल पे नेट नहीं है और घर के अंदर सिग्नल नहीं है, इसीलिए वाईफाई है ना मेरे घर पे, तो घर के अंदर ही काम करेगा। बाहर मैंने मोबाइल में एक्स्ट्रा डाटा नहीं करवाया है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और आज मैं फुल डे रूटीन तो बना रही हूँ, सिर्फ बताऊँगी आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या किया और क्या करने जा रही हूँ, क्योंकि काम करते हुए ज़्यादा नहीं देखूँगी, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो कैसे देख पा, मतलब कैसे होगा, कहाँ पे मैं मोबाइल को रखूँगी या ना कैमरा को कहाँ पे रखूँगी। देखो गर्मी में पसीने आ रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने फैन को थोड़ा सा बंद किया है, बहुत ज़्यादा शोर करता है और सभी सो रहे हैं, तो मैं थोड़ा आराम से धीरे से बोल रही हूँ इसलिए कि सभी लोग सो रहे हैं। मैंने पंखे को बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा गर्मी है दिल्ली में, उमस टाइप चिप चिप टाइप का गर्मी है, और बरसात ज़्यादा नहीं हुई अब तक। अभी पानी पीते पीते आप लोगों से मैंने बात कर लिया, बस इतने पानी को ख़त्म करती हूँ। और उसके बाद अब आप लोगों से मिलती हूँ मैं, पानी तो मैंने पी लिया, थोड़ा सा बच्चा इतना ख़त्म कर लूँगी। तो अभी इतना सा पानी ख़त्म करके फिर झाड़ू पोछा करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ। ओके, बाय बाय। झाड़ू पोछा करते हुए भी मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, कुछ भी काम के साथ नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि अभी तो देखती हूँ, अगर बच्चे बना देंगे तो बना देंगे। ओ माय गॉड, मैंने तो अभी दूध निकाल के रखना है फ्रिज से, मैंने 2 लीटर दूध निकाल के रखा है।
बाद में जब थोड़ा पिघल जाएगा फिर मैं गर्म करूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ नहा के। छोटा बेटा को मैंने नहाने जाने से पहले उठा दिया था, और उसको उसका क्लास होता है 9 बजे से स्टार्ट ऑनलाइन क्लास। तो अभी वो पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ पानी पी के, गुनगुना पानी पी के वो पढ़ने के लिए बैठा हुआ है। जब फर्स्ट वाला पीरियड ख़त्म हो जाएगा फिर उसी ब्रेक में मैं उसको दे दूँगी कुछ खाने के लिए नाश्ता ले। और आज मैंने सिर भी धोया था और कपड़े धोया, सिर धोया, बाथरूम को साफ किया, तो सारे काम करते करते देर हो गया। अभी हो गए 9:30। तो अब मैं करूँगी भगवान जी का पूजा पहले, फिर उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी। अब करती हूँ पूजा, भगवान जी का बर्तन भी धोना है, बर्तन भगवान जी का दिए वगैरह भी धोना है, सभी मैं मतलब जूठे हुए रखे हैं। मैंने जोत जला दिया, देखिए जोत जलाया, जल चढ़ाया, पूजा कर लिया मैंने। यहाँ पे मैंने बना रही हूँ नाश्ता के लिए पराठा, और चाय बनाऊँगी बाद में। पराठा बनने के बाद पराठा, चाय और अचार हम लोग नाश्ता में खाएंगे, और इतना ही बनाऊँगी। थोड़ा सा आटा बच जाएगा तो बच जाएगा। यहाँ पे दूध उबलने के लिए रखा है और चाय बनाने के लिए रखा है। पहले दे देती हूँ छोटे वाले बेटा को पराठा, उसको फर्स्ट वाला ब्रेक हो गया है तो आया हुआ है बाहर, तो उसको पहले दे देती हूँ फटाफट। यहाँ पे मैं दे रही हूँ पहले छोटे बेटे के लिए पराठा और अचार। चाय तो मैंने चढ़ा रखा है, फटाफट खाने के बाद वो चला जाएगा अपना दूसरा वाला सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। इसके बाद मिलूँगी पूरा नाश्ता के काम ख़त्म करने के बाद। और हो गया मेरा नाश्ता के काम ख़त्म, और मैं बना रही हूँ लंच। लंच बनाने के लिए मैंने काटा है बैंगन को, और आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी लंच में, और कढ़ी भी है, थोड़ा सा कढ़ी बनाऊँगी, आलू बैंगन बनाऊँगी। तो ये रहा रोटी, चावल, आलू बैंगन की सब्ज़ी और कढ़ी मैंने लंच में बनाया है, यही खा रहे हैं हम लोग। क्योंकि रेसिपी तो मैंने शेयर नहीं किया, बहुत लंबा वीडियो हो जाता ना, इसीलिए रेसिपी नहीं किया है मैंने शेयर। तो ये देखिए हमने लंच में ये खाया था। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी बजे हैं 5:00 और मैं थोड़ी देर सोई थी दोपहर के खाना खाने के बाद। और जो कपड़े मैंने सुबह धोए थे आप लोगों को दिखाया नहीं था, बताया था, वो ये रहे सूख गए। और मैंने आजकल तो जल्दी से सूख जाते हैं कपड़े, मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया है, तार में से निकाल के यहाँ रख दिया। ये तो बेड शीट है, ये बेड शीट है, इसका चेंज, ये वाला बेड का मैंने चेंज किया था कल, तो रख दिया था, कल नहीं धोया था तो आज धो दिया। और अब मैं बनाऊंगी चाय, बच्चों के लिए दूध बनाऊंगी, अपने लिए चाय बनाऊंगी। मैं बना रही हूँ चाय, तो चाय बना रही थी और यहाँ पे देखा तो डब्बा खाली है, चीनी ख़त्म हो गया था। मैं पलट रही हूँ डब्बा पे चीनी को, अभी बनाती हूँ। बच्चों के लिए मैंने दे दिया है दूध, वो लोग पी रहे हैं बाहर। और ये पराठा भी सुबह का बच्चा था तो मैंने गर्म कर दिया, अगर कोई खाएगा बच्चे लोग खाएंगे तो सॉस के साथ खाएंगे, इसीलिए गर्म किया है। अकेले के लिए चाय बना रही हूँ, मैंने इसमें एक इलायची भी डालूँगी चाय में। अकेले के लिए बनाना है चाय तो फटाफट बन जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक कप तो बनाना है मुझे। और मैं ना इस गिलास पे पीऊँगी चाय। दूध भी ऐड कर दिया मैंने,
बस अभी रेडी हो चुका है, चाय बन करके रेडी हो चुका है। अभी बैठ के पीऊँगी, उसके बाद मैं करूँगी सारे काम, इवनिंग के काम और डिनर के काम करूँगी। सारे के सारे रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। ये बन करके रेडी हो गया मेरा चाय, अभी पीऊँगी चाय, उसके बाद फिर करूँगी काम। आप लोग भी पी लीजिए चाय, और मैंने पी लिया है चाय। तो धोने के बर्तन इधर रख देती हूँ सिंक पे, दूध और चाय के। उसके बाद मैंने पानी गरम करके थोड़ा सोयाबीन को भिगवा दूँगी। शाम को, आज रात को मैं सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ डिनर में, और दिन में जो मैंने बनाया था ना आलू बैंगन की सब्ज़ी वो भी है। तो एक आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और आलू बैंगन की सब्ज़ी और चावल खाएंगे डिनर में, तो वही बनाने जा रही हूँ। ये मैंने पानी गर्म करने के बाद सोयाबीन को पानी के अंदर डाल दिया, थोड़ा सा हिला दिया, और करूँगी गैस, इसको ढक कर के रख दूँगी, और गैस को कर देती हूँ बंद। ढक के रखने से ना बहुत जल्दी फूल जाता है सोयाबीन। और मैं धो रही हूँ इधर बर्तन, दूध और चाय के बर्तन, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। ये भी अगर नहीं धोऊंगी तो बाद में इकट्ठे हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो साथ साथ धोते रहने से कम हो जाते हैं खाना खाने के बाद। मैंने धो दिया बर्तन, और इधर मेरा छोटा बेटा कर रहा है शाम के पूजा। ये मेरा शाम में जो पूजा करने वाला पुजारी है मेरे बेटा, ये देखो मस्ती भी कर रहा है थोड़ा सा। और अब मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। डिनर में ये चावल को मैंने चढ़ा दिया, जिस तरह से पहले बनाते थे ना गाँव में, उसी तरह से मैंने पानी निकाल के नहीं फेंकूँगी, वैसे ही मैंने बनाया है नॉर्मल, उसी में सुखाने वाला। और ये जो है आलू प्याज भी मैंने छिल करके रख दिया और कुकर को चढ़ा दिया है। और तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी। जीरा चटकने के बाद मैं करूँगी इसमें ऐड प्याज। प्याज मैंने कट करके रखा हुआ है। साथ साथ काट लेती हूँ मैं सारा कुकर चढ़ाने के बाद ही। तो अभी प्याज को काटा है, बाकी सब्ज़ी मैं साथ साथ काटूँगी। आलू टमाटर हरी मिर्च सब कुछ मैं साथ में ही काटूँगी, साथ साथ, मतलब इधर प्याज भुनता रहेगा उधर मैं काटती रहूँगी। थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, प्याज को हिला रही हूँ, तो अच्छी तरह से लाल हो जाएगा, अच्छा खासा लाल हो जाएगा प्याज। उसके बाद मैं ऐड करूँगी, क्योंकि हल्का ग्रेवी वाला मुझे बनाना है चावल के साथ खाने के लिए, तो ये प्याज अच्छा से भुनना ज़रूरी है। अगर सूखी सब्ज़ी बनाते हैं हम लोग तो अच्छा से नहीं भी भूनते हैं तब भी अच्छा लगता है। और इधर प्याज भुन चुका है, तो मैं इसमें निचड़ के डाल रही हूँ सोयाबीन को, धो के रखा है मैंने, तो निचड़ के उसका पानी निकल के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हल्का सा हिला दूँगी, और मैंने उधर काट के भी रखा हुआ है आलू साथ साथ। पहले सोयाबीन को थोड़ा भूनने के बाद ही मैं ऐड करूँगी आलू को। थोड़ा सा भून दिया है मैंने सोयाबीन को, और कर रही हूँ आलू को ऐड, और हल्का सा हिला दूँगी। और हल्दी को मैंने ऐड कर दिया, और इधर फिर धनिया के डिब्बा भी देखा, धनिया के पाउडर के डिब्बा भी देखा, तो खाली हो रखा था, तो मैंने पाउच में से डिब्बा के अंदर डाल दिया। और मैंने इधर प्लेट के ऊपर गिर ना जाए करके ना मैंने प्लेट के ऊपर कर दिया था, तो जो भी गिरा है प्लेट में वही मैं अभी सब्ज़ी में यूज़ करूँगी। थोड़ा सा पोंछ रही हूँ यहाँ पे, तो गिर गया था ना थोड़ा बहुत, इसीलिए। सिंपल सा बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा मसाले नहीं ऐड करूंगी इसमें। हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया का पाउडर, थोड़ा सा किचन किंग मसाला भी ऐड करूंगी। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड किया था, थोड़ा सा, बहुत कम। हम लोग लाल मिर्च ज़्यादा नहीं खाते हैं, कभी कभी स्पेशल बनाना होता है तभी हम लोग खाते हैं लाल मिर्च, वरना हम लोग ही हरी मिर्च ही यूज़ करते हैं। हरी मिर्च जो सब्ज़ी के साथ ले आते हैं उसी से हमारा हो जाता है।
अब मैंने टमाटर को भी ऐड कर दिया। सब्जी बनने के बाद ढक कर के रख दूँगी, ढक के रख दिया था थोड़ी देर, अभी देख रही हूँ टमाटर गला है कि नहीं। इस तरह से ढक के रखने से टमाटर भी अच्छा से जल्दी से गल जाता है। और फिर मैं हिला रही हूँ सब्ज़ी को, दोबारा से थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी और ढक करके रख दूँगी। तो एक दो मिनट पकाने से अच्छी तरह से पक जाएगा, क्योंकि ये आलू अच्छा से गल जाएगा ना तो ग्रेवी थोड़ा घना हो जाएगा, वरना पतला पतला लगेगा ना तो बेकार लगता है बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक और मसाला ऐड करूँगी, ये मसाला है किचन किंग। इससे ना कोई भी सब्ज़ी में डालो तो अच्छा फ्लेवर आता है इसका। गरम मसाला भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो किचन किंग मसाला ऐड करती हूँ ज़्यादातर सब्ज़ी में, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अभी बस पक चुका है तो जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उतना मैं पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने गरम किया था, गरम पानी कोई भी सब्ज़ी के ग्रेवी बनाओ या फिर दाल में ज़्यादा पानी ऐड करना हो तो पानी गरम करके ऐड करने से अच्छा सा घुल मिल जाता है उसी में, नहीं पानी अलग नहीं होता। तो बस अभी रेडी हो चुका है सब्ज़ी बन करके, चावल सब्ज़ी और दूसरा वाला सब्ज़ी भी है दिन का, आपको पहले बताया था मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी, वो भी टेस्टी बना हुआ है। दिन में सोचा था कम बनाऊंगी लेकिन बच गया थोड़ा सा, तो मैंने अभी दूसरा दाल वाल कुछ नहीं बनाया ताकि वो बैंगन की सब्ज़ी ख़त्म हो जाए। और मैं अभी उसके बाद मैंने रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था खाना को, और मुझे भी थोड़ा गर्मी लग गया था तो मैं आ गई थी एसी ऑन करके रूम में और खाना लगा रही हूँ। अभी कम से कम एक घंटा मैंने छोड़ दिया था बनाने के बाद, फिर लगा रही हूँ अभी खाना, डिनर। अभी मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं ऑफिस से तो लगा रही हूँ बच्चों के लिए खाना। हम लोग इसी तरह से खाएंगे, हम लोग भी हस्बैंड आने के बाद हम भी खाएंगे। और यही था आज का मेरा रूटीन। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था, तीन महीने पहले रिक्वेस्ट किया था, आज जा करके मैं उनका रिक्वेस्ट पूरा कर पा रही हूँ। खुशी है मुझे कि मैंने देर से ही सही उनका रिक्वेस्ट पूरा किया। ये हमारा लग गया पूरी तरह से खाना, और मैंने सलाद भी काटा था, थोड़ा सा गाजर काटा है और कुछ नहीं, और हरी मिर्च भी, ज़्यादा तीखा नहीं है खाना। ओवेस शेख जी ने मुझे दिया था, ये बोला था रिक्वेस्ट कि फुल डे रूटीन बना के वीडियो अपलोड करें, तो इसीलिए बनाया है। अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस तरह का है मेरा किचन काम ख़त्म होने के बाद, डिनर के काम ख़त्म होने के बाद, देख लीजिए पूरा काम ख़त्म हो गया।